इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में मिल जाएंगी। तो एक बार बांग्लादेश आ रहे तो यहाँ जरूर आना। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी मैं बांग्लादेश में हूँ, बांग्लादेश में ढाका में, और ढाका एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आज मेरा ढाका का तीसरा दिन है, दो दिन हो चुके हैं मुझे, आज मेरा तीसरा दिन है ढाका में। और अभी तक ढाका में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, और आज हमारा प्लान है न्यू ढाका मार्केट। बस ही देखो भाई, यहाँ की थोड़े रगड़े लगे हुए हैं बस में। सारी बसें ना आपको यहाँ पे हर दूसरी बस ऐसी मिलेगी, चार ऐसे खरोची सी पड़ी रहती है बस में। ढाका को अगर आप ना गूगल मैप में दिखोगे ना, तो मैप में ना आपको बस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। चारों तरफ मतलब हर रोड पे, हर गली में आपको बस ही बस दिखाई देगी मैप पे। एक और बस आई है, मेरे को भी जाना ढाका न्यू मार्केट, लेकिन शायद वहाँ के लिए बस जाती नहीं है। ढाका मार्केट, न्यू ढाका मार्केट भाई, मार्केट के लिए बस जा ही नहीं रही है। से निकले, यहाँ से निकल जाए, ऊपर से निकल जाऊँ। तो भाई एक बंदे ने बैठाया तो है, बोल गए कि न्यू ढाका मार्केट जा रहा है। अब पता नहीं, ये आप देख रहे हो सामने, ये यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। बिल्डिंग तो बड़ी भाई हाईटेक बनाई है। अभी मैं ढाका में ना न्यू मार्केट की तरफ जा रहा था, और रास्ते में ना मैं जिस बस में बैठा हुआ था, बस से मुझे बाहर दिखा बांग्लादेश का नेशनल म्यूजियम। और बांग्लादेश के नेशनल म्यूजियम में ना शायद वो मैंने इंडियन एयरफोर्स का एरोप्लेन देखा, तो मुझे लगा यार अगर इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है यहाँ पर, तो इंडिया से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। क्योंकि जब बांग्लादेश की आज़ादी है ना, उसको आज़ाद करने में भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी दोबारा चलते हैं, देखते हैं अपने इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें तो वहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पे लोग ना पान बहुत खाते हैं, आपको ऐसे भाई लोग मिल जाएंगे बांग्लादेश के ढाका के कोने कोने में। ये भाई प्लेन, नेशनल म्यूजियम के आगे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जूस पी रहे हैं, 10 रुपए का ये जूस है। तो ये ना मिक्स फ्रूट भी दे रहे हैं, ऐसे ना आपको बांग्लादेश में जगह जगह मिलेगा, बांग्लादेश के मतलब ढाका में जगह जगह मिलेगा। 30 ओके 30 रुपये का फूड चार्ट दे रहे हैं, इसमें ये सारा चीज़ें मिलाएंगे। दादा तुम्हारा नाम की? रिपन। वैसे तो यहाँ पे ना प्रॉपर कुछ मतलब यहाँ आसपास में कुछ प्रॉपर खाने को नहीं था, बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ना काफ़ी सारी यहाँ पे स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स लगी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा सब ट्राई करेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी। दो गिलास वो जूस पी लिया, फ्रूट चाट खा लिया, थोड़ा सी जान आ गई है। और यहाँ पे ना गोलगप्पे रखे हुए हैं, मेरे को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो एक प्लेट ये भी खाते हैं। कितने का दादा? दादा कितने का, कितना डक्का? छक्के का और 50। मेरे को आता है थोड़ा थोड़ा समझ में बंगाली, तो यहाँ पे ना वो वाला सीन नहीं है, मतलब गोलगप्पे ना वैसे नहीं खिला रहे हैं, तो ये लोग ऐसे प्लेट में ऐसे सजा के गोलगप्पे उसमें स्टफिंग करके अच्छे से देते हैं। 10 पीस 10 पीस 10 पीस 10 पीस एक प्लेट में 10 पीस देंगे, 50 रुपये का प्लेट है ये। इसको क्या बोलते हैं, नाम पुचका। ये पानी दिया इसमें, और ये ऐसी स्टफिंग की हुई है। टोक पानी को टोक बोलते हैं। तैतुल। अब क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आया, टॉक और तैतुल बोल रहे हैं। तैतुल मतलब ये तो तीखा होगा, ये तीखा जाना। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश का नेशनल म्यूजियम है, और अभी हम बांग्लादेश के नेशनल म्यूजियम में जाने वाले हैं। टिकट मैंने ले लिया, टिकट है 300 रुपये का,
300 रुपये का टिकट है। बाकी अगर बांग्लादेशी का मतलब कोई लोकल बंदे हैं, लोकल बंदे के लिए 40 रुपये का टिकट है। अगर सार्क कंट्री मतलब इंडिया पार्ट है, सार्क एक सम्मेलन है ना एक शायद, इसमें काफ़ी सारी कंट्री है, मलेशिया मतलब इंडिया सार्क का पार्ट है, तो इंडिया के लिए 300 रुपये का टिकट है। बाकी और कोई फॉरन होगा USA से उसके लिए 500 रुपये का टिकट है। दादा टिकट काउंटर जमा दीते हैं बैग को। ओके अंदर एंट्री ले ली है और मास्क कंपलसरी यहाँ पे अभी भी यार, मतलब म्यूजियम में आप आ रहे हो बिना मास्क के एंट्री नहीं, और ये बैग यहीं पे रखना पड़ेगा कह रहे हैं, तो यहाँ बैग यहीं रख देते हैं। तो भाई अंदर ना कैमरा भी अलाउड नहीं है भाई, 300 रुपये दे के भी कैमरा अलाउड नहीं हो रहा है भाई, तो नहीं साफ यार, कैमरा तो अलाउड होना चाहिए यार कम से कम। चलो जो भी है ठीक है, हमारे यहाँ भी कई जगह कैमरा अलाउड नहीं होता है तो वो सेफ्टी रीजंस के लिए होता है। तो मैं फ़ोन से ही ब्लॉग करूँगा, मेरा फ़ोन इनफ है यार, इसी यदि बुरे वक्त के लिए मैंने ये फ़ोन लिया था, इतने पैसे इसमें लगाए थे ताकि जहाँ कहीं पे कैमरा अलाउड नहीं हो वहाँ पे मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग कर लूँ। तो अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अंदर रखते हैं। और ये पीछे आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये फादर ऑफ नेशन इनको बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को बोलते हैं, वैसे शेख मुजब्बर रहमान इनका नाम है, बांग्ला बंधु भी इनको बोलते हैं, बांग्ला बंधु शेख मुजब्बर रहमान। ये वही शख्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए ना सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी, जितना मुझे पता है। म्यूजियम के अंदर ना टोटल 4 फ्लोर है, अभी सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल पे ना एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई है जिसमें बांग्लादेश का विलेज लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश की। भाई यहाँ पे जितने भी ये जानवर हैं ना छोटे छोटे, ये सारे रियल हैं, मतलब रियल जानवर, मतलब ये मरे हुए हैं और इनके अंदर कुछ भरा हुआ है। थोड़ी सी आगे आई और हमें यहाँ पे एक व्हेल का स्केलेटन देखने को मिला है जो कि बहुत बड़ा मेरे भाई। आपको पता होगा जब बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था ना, तो बांग्लादेश में काफ़ी सारे ना हिंदू टेंपल हुआ करते थे, तो ये उन्हीं में से किसी एक टेंपल का नंदी महाराज जी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, अभी एक एक करके मैं सारी आपको दिखाता हूँ। করলো জরো
बढ़ती था यहाँ पे आना। मतलब मैं पहले सोच रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया और इतना बड़ा म्यूज़ियम है नहर वक्त सब कुछ था, इंडिया से रिलेटेड और बांग्लादेश से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हमको मिली। और चीज़ एक और क्या, अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ ना वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का प्लेन रखा हुआ है। और ये देखो आइकॉनिक पिक्चर, जब 1971 में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इंडिया के आगे, वो वाली पिक्चर है। 1971 में ना जब इंडिया ने बांग्लादेश से पाकिस्तान को खदेड़ के बाहर निकाला था, तो उस टाइम में मेजर रोल एयरफोर्स का था। एयरफोर्स ने ना उस टाइम पे जो पाकिस्तान था, मतलब बांग्लादेश था, बांग्लादेश का जो मेन संसद भवन था, असेंबली थी जहाँ पे सारे उनके नेता लोग रहते थे, बड़े बड़े अफसर लोग रहते थे, उस बिल्डिंग में ना हमारे एयरफोर्स के हमारे प्लेन ने उनमें बम बरसाए थे। पाकिस्तान पर अटैक किया गया था और ये ऐसे प्लेन, ये एक्चुअली था क्या ना कि मैं यहाँ से ही निकल रहा था, इस रोड से आगे निकल रहा था, मैंने ये प्लेन देखा, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुका। मैंने कहा कि इंडिया का प्लेन दिख रहा है और फिर मुझे लगा कि कुछ तो हो गया, फिर मैंने मैप में देखा तो मुझे पता लगा कि ये बांग्लादेश का नेशनल म्यूजियम है और ये प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है, इंडियन प्लेन। और यहाँ पर टैंक भी है, ये टैंक एक, ये भी भैया बता रहे हैं, यहाँ पे एक भैया है वो बता रहे हैं कि इंडियन टैंक है ये भी। वही 1971 में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए। ये देखो, मेरी मानो यार अगर आप बांग्लादेश आ रहे हो तो एक बार इनका ना नेशनल म्यूजियम भी आप विजिट करना, काफ़ी कुछ है देखने के लिए यार यहाँ पे, बहुत कुछ है। मतलब 3 से 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर पे सब कुछ अलग अलग है, इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में मिल जाएंगी। तो एक बार बांग्लादेश आ रहे हो तो यहाँ जरूर आना, ऐसा कुछ दिखता है इनका म्यूजियम। तो चलो भाई म्यूजियम बंद हो गया, अब हम भी निकलते हैं। हासीना पास में ही लगभग 900 मीटर 1 किलोमीटर दूर यहाँ से एक लाल बाग करके कोई जगह है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ के लिए रिक्शा कर लिया है तो 1 किलोमीटर के ये 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आज मेरा ढाका का 3रा दिन है, 2 दिन हो चुके मुझे, आज मेरा 3रा दिन है ढाका में। और अभी तक ढाका में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं और आज हमारा प्लान है ढाके सीरी टेम्पल और लालबाग जाने का। और लालबाग आ गया, आ गया ये वाला, तो भी ऐसा कुछ दिखता ही, हमने अंडर एंट्री ले ली है। वैसे जो बांग्लादेश के सिटीजन के लिए 20 रुपये टिकट है, लेकिन इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ टिकट है। अब देखते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं, छोटा सा ही है। ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे, मतलब ज़्यादा लोग आते नहीं होंगे इधर शायद। तो इस फोर्ट के बारे में कई सारी ना कहानियाँ भी मैंने अभी गूगल पे मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा कि आपको बता देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक तो ये है कि ये जो फोर्ट है ना, ये आजम शाह औरंगजेब के लड़के थे, उन्होंने बनाई थी। और ये ना ये जो फोर्ट है कभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि उसका जो फादर था औरंगजेब, उनकी लड़ाई हो गई थी मराठों से, तो उन्होंने उन्हें बुला लिया था, तो इनको ये महल का काम छोड़ के फिर उनको वापस जाना पड़ा था औरंगजेब के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए। तो उन्होंने किसी सेनापति को यहाँ का काम वाम सौंपा था, अपना काम सौंपा था, तो उनके जो सेनापति थे ना उनकी भी डेथ हो गई, तो ये काम फिर से रुक गया। और एक ना कहानी मैंने एक और कहानी मैंने यहाँ पे पढ़ी यहाँ के बारे में, कि मैंने अभी विकीपीडिया पे मैंने पढ़ा है कि इस फोर्ट के नीचे ना काफ़ी सारी ऐसी सुरंग है ना जो कि इंडिया की तरफ को निकलती हैं, और कई सुरंग ऐसी भी हैं जो इनके कई अलग अलग फोर्ट थे जो मुग़लों ने बनाए थे वहाँ पर निकलती है, जो अभी खंडर हो चुके हैं। ऐसे कई सारे फोर्ट हैं। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे भी ना कुछ सैनिक इस फोर्ट के अंदर फंसे हुए थे, जिनको चारों तरफ से ना अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, तो वो भी उन सुरंगों के रास्ते ना निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गलती से ना इसी फोर्ट के अंदर ना ऐसी कई सुरंगें ऐसी भी हैं जो कि आगे जाके ना कई सारी भूल भुलैया मिल जाती हैं, तो वो भटक जाते रहते, जो वो सिपाही भी थे ना, तो वो गलती से उन सुरंगों से जो रास्ते भूल भुलैया की तरफ को जाते हैं वो उसमें चले गए थे और वहाँ पे फंस गए। फिर उनके पीछे पीछे अंग्रेज़ों के कुछ सैनिक गए थे, उन्होंने उनको पकड़ तो लिया था लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये गुफाएं बंद कर दी।
तो तब से ये जो सुरंगें हैं वो बंद हैं यहाँ पे।